वेलकम इन एक स्टडी 1024 में हुए एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एक फैक्ट्री है जिसको कुछ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने हैं और इन आर्टिकल्स को बनाने के लिए मशीन्स का यूज करती है। अगर ये 42 मशीन्स का यूज करे तो जो आर्टिकल है उनको बनाने में जो टाइम लगेगा वो है 63 डेज। हमसे बोला गया है कि कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर इन्हीं आर्टिकल्स को ये 54 डेज में बनाना चाहती है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मशीन्स और नीचे लिखा है नंबर ऑफ डेज टेकन, मतलब कितने दिन लगे। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, मशीनों की संख्या कितनी थी, 42। मतलब कि अगर मैं नंबर ऑफ मशीन्स के आगे 42 लिखता हूँ तो नंबर ऑफ डेज के आगे क्या लिखूंगा, 63 डेज लगे थे, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 63। और जिसका सेकेंड पार्ट है यहाँ पे हमें डेज बताए गए 54। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज के आगे मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 54। और कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स। ठीक है, मान लेते हैं एक्स मशीन की रिक्वायरमेंट होगी अगर ये 54 डेज में इन आर्टिकल्स को बनाना चाहती है तो। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ मशीन है और जो नंबर ऑफ डेज टेकन है क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखो, जब भी आप ज्यादा मशीन काम पे लगाओगे तो जाहिर सी बात है काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा मशीनें काम पे लगी हैं तो काम जल्दी होगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि नंबर ऑफ मशीन्स जो हैं उनको मैं अगर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, ज्यादा कर दूं तो कम दिन लगेंगे, मतलब जो टाइम लग रहा है वो घट जाएगा। तो मतलब एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया एज नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड डिक्रीजेस सो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब कि जैसे जैसे हम मशीनों की संख्या इंक्रीज कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड डेज है काम को फिनिश करने के लिए वो कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में हो, तो मैंने आपको बताया था आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर 42 और 63 को जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो बराबर होना चाहिए जो x और 54 को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें करना क्या, हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, 42 × 63, और जो 54 है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से सोल्व करने पे क्या आएगा, 6 9 जा 54, 6 7 जा 42, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो यहां से 7, यहां भी 7, तो 7 × 7 कितना हो गया, 49। और यहां पर क्या बचा हुआ है, एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा कि 49 मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम काम को 54 डेज में खत्म करना चाहते हैं तो। ठीक है, एक बात और आप याद रखना, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि हम x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2 तभी करते हैं जब हमें पता हो कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन मिल रहा है तो वहां पे x1 / y1 इज इक्वल टू x2 / y2 होगा। मतलब डिवाइड तब करेंगे हम एक्स वाई को जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, और ऐसे मल्टीप्लाई तब करते हैं x1 / y1 x2 / y2 को जब हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे बोला गया ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक वेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक कार है जो कि 2 घंटे का टाइम लेती है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जब ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। हमें बताना है कि इसे कितना टाइम लगेगा सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अगर जो इसकी स्पीड है वो 60 की बजाय 80 किलोमीटर पर आवर हो तब। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो पहला केस है उसमें जो टाइम है, ठीक है, हर केस में आप ऐसा टेबल बनाओ क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो पहला केस है उसमें जो टाइम है आवर्स में वो कितना है, 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और उस केस में जो इसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में वो कितनी है, 60 है। सेकंड केस में हमसे क्या पूछा गया कि कितना टाइम इसे लगेगा, मतलब जो टाइम है वो हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स आवर्स का टाइम लगेगा, और इसकी स्पीड सेकंड केस में हमें कितनी बताई गई है, 80। तो यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हमें पता करना होगा कि जो टाइम और स्पीड है क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर इनवर्सली। तो यहां पर देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो स्पीड है अगर आप इसको ज्यादा कर दोगे, ठीक है, स्पीड आप बढ़ा दोगे
तो जो टाइम है वो कम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर जाहिर सी बात है अगर आप तेज चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, तो मतलब क्या है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम आपको कम लगने वाला है, अगर डिस्टेंस सेम है तो। और दोनों ही केसेस में डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है टाइम डिक्रीज हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, तो ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज स्पीड इंक्रीजेस, जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है सो टाइम डिक्रीजेस, टाइम डिक्रीज जाता है, इसका मतलब इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है। और मैंने भी आपको बताया जब भी हमें पता लग जाए कि दो क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बराबर में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 2 × 60 बराबर हो जाएगा x × 80। तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 × 60/80, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ से आप 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की जो वैल्यू है ऊपर कितना बचा? 3 × 1 यानी कि 3, और नीचे कितना बचा हुआ है? 2, 3/2 आर्स, ठीक है, क्योंकि जो x है वो आर्स में है। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहो तो आपको क्या करना है? 3 को 2 से डिवाइड करना है भाई, तो यहाँ से 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 − 2 = 1 बचा। मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे लिखते हो? जितनी बार आपने टेबल पढ़ा यानी जो क्वोशेंट है वो आप पहले लिखो, रिमाइंडर को यहाँ ऊपर, जिससे आपने डिवाइड किया उसको नीचे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1½ आवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहो तो आर भी लिख दो, ठीक है, h4 आर, मतलब इतने 1.5 घंटे का टाइम इसको लग रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये दो पार्ट में हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन 3 डेज, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दो आदमी किसी नई विंडो को फिट कर सकते थे 3 दिन के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनमें से एक बीमार पड़ गया काम स्टार्ट होने से पहले ही। अब हमें बताना है कि जब एक बीमार पड़ गया तब काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, ये पहले केस में पूछा गया है। दूसरे केस में हमसे पूछा गया कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम जो विंडो है उसको एक दिन में फिट करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी पहले इस टेबल में आप लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ पर्सन, और नीचे क्या लिखा है? टाइम टेकन। टाइम किस में है? डेज में है। तो यहाँ पर बोला गया था कि दो लोग, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? दो। अगर नंबर ऑफ पर्सन दो हैं तो नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं? 3 डेज। तो हम टाइम टेकन जो डेज में, इसके आगे क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। अब बात करते हैं पहले केस की। तो पहले केस में देखो क्या होगा, पहले केस में बोला गया कि एक आदमी बीमार पड़ गया, टोटल आदमी कितने थे? दो। तो अगर एक बीमार पड़ गया तो अब जो दूसरा वाला बचा हुआ है वही काम करेगा, मतलब काम करने के लिए सिर्फ एक आदमी बचा, ठीक है। और पूछा गया कि जॉब को खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं कि एक्स डेज का टाइम लगता है, या फिर x1 बोल दो, ठीक है, x1 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पर्सन और जो टाइम लग रहा है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहां पर देखो जाहिर सी बात है अगर ज्यादा लोग होंगे तो काम को जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है, और अगर कम हो जाएंगे लोग यानी कि एक ही को काम करना पड़ेगा सारा तो अकेला काम करने में ज्यादा टाइम लेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए, ठीक है, पहले ये दो लोग काम कर रहे थे, आप सिर्फ ये अकेला काम कर रहा है तो इसको काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि अगर नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो जाते हैं जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इनके बीच में कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो आप क्या करते हो? x1 × y1 या फिर जो भी आप बोलो, जिससे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 2 × 3, और ये बराबर रहना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, यानी कि 1 × x1। तो यहां से x1 1 जा x1 ही होगा और बराबर हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 के, ठीक है। x1 की यूनिट क्या है? नंबर ऑफ डेज, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 डेज का टाइम लगेगा, ठीक है ना। अगर मैं यूनिट भी लिखना चाहूँ तो x1 किसके बराबर हो जाएगा? 6 डेज के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि x1 क्या चीज है। x1 क्या है? नंबर ऑफ डेज। तो डेज में हम क्या लिखेंगे? 6 डेज। तो यहाँ पर पहले का आंसर है 6 डेज। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था? कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, इस बार हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन इस केस में मान लेते हैं x2, ठीक है। और यहाँ पे हमसे बोला गया है कि टाइम जो है वो 1 डे का है, यानी कि अगर एक दिन का टाइम हो, एक दिन के में अंदर हमें पूरा काम खत्म करवाना हो तो कितने नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देखो सेकंड केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड केस भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 × 3 जो है, 2 × 3, अब ये बराबर होना चाहिए x2 × 1, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 3 बराबर होना चाहिए x2 × 1
वन, तो यहां से टू थ्री जा कितना हो जाएगा सिक्स, और यहाँ पे एक्स टू बन जा एक्स टू, लेकिन यहाँ पे जो एक्स टू है वो किसके सामने लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन के, तो यहाँ पर जो सिक्स है यहाँ पर क्या आएगा, ये आएंगे पर्सन, ठीक है। तो सिक्स आदमियों की जरूरत होगी अगर काम को एक दिन में खत्म करा जा रहा है तो, ठीक है। एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो एक्स वन है ये भी सिक्स के बराबर है, एक्स टू भी सिक्स के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स वन है वो नंबर ऑफ डेज है और जो एक्स टू है वो नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हमसे बोला गया, स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। मतलब कि एक स्कूल है उसमें टोटल 8 पीरियड्स लगते हैं, जब हर एक पीरियड का जो टाइम है ड्यूरेशन है वो कितना है 45 मिनट है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीरियड्स और नीचे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। तो पहले केस में नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 8 है, ठीक है, और हर एक पीरियड का जो टाइम है वो कितना है 45 मिनट्स है, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो किसमें है, मिनट्स के अंदर है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो ये है कि अगर स्कूल में 8 की बजाय, ठीक है, 8 की बजाय 9 पीरियड्स हों तो जो टाइम होगा हर एक पीरियड का वो कितना होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 9, और जो टाइम है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमें स्कूल के आवर्स हैं यानी कि जो स्कूल लगने का टाइम है वो सेम रखना है, ठीक है, उसमें कम या ज्यादा कुछ नहीं करना है, तब हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पता लगाओगे कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं और जो ड्यूरेशन है उनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जाहिर सी बात है अगर आपने सेम टाइम में, क्योंकि जो टोटल टाइम है स्कूल का वो सेम रखना है आपको, तो अगर आपने सेम टाइम में नंबर ऑफ पीरियड्स ज्यादा कर दिए, ठीक है ना, पहले 8 थे अब कितने हो गए 9, तो जाहिर सी बात है ये इंक्रीज हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका टाइम 45 मिनट से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ टाइम्स में नंबर ऑफ पीरियड्स आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे टाइम कम करना पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ पीरियड ज्यादा होते हैं तो हर एक पीरियड में से कुछ कुछ टाइम कट करना पड़ेगा, यानी कि जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, यानी कि इनके बीच में जो प्रोपोर्शन है वो कौन सी है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन जब भी होता है तो आप क्या करते हो, एक्स वन इंटू वाई वन यानी कि 8 × 45 बराबर होगा 9 × x के। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू है आप कैसे निकालोगे, 8 × 45, और जो नाइन है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 5 है, 8 × 5 = कितना 40, और इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40 है इसकी यूनिट क्या होगी, देखो जो एक्स था वो किस में नापा जा रहा था, मिनट में, क्योंकि जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है पीरियड की वो किस में है, मिनट में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 40 मिनट का होगा हर एक पीरियड, अगर यहाँ पर हमें 9 पीरियड बनाने हैं टोटल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।